बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक ओपन रखें, उसमें हमने आज छोटी सी डेफिनेशन राइट करनी है। ग्रामर है ये हमारी कंजंक्शन। कंजंक्शन का वैसे उर्दू में मीनिंग होता है मजमुआ, यानी जोड़ना। अब मजमुआ जमा करके दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब मिलाया जाता है तो उसे बोलते हैं मजमुआ। कंजंक्शन ग्रामर के रूप में क्या है? कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स एंड समटाइम्स सेंटेंसेस। ऐसा वर्ड लफ्ज़ है कंजंक्शन के जो अल्फाजों को जॉइन करता है, यानी मिलाता है, जोड़े रखता है, और कभी कभी जुमलों को भी, एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को या जुमलों को, या जुमलों और लफ्ज़ों को आपस में जो मिलाता है, जिस वर्ड के ज़रिए मिलाया जाता है, उस वर्ड को बोलते हैं कंजंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर वन, समीना एंड नबीला आर रियल सिस्टर्स। अब अगर हम यहाँ लिखते समीना आर रियल सिस्टर्स तो ये सेंटेंस रॉन्ग था। समीना किसकी सिस्टर है? उसका नेम तो है नहीं। अगर हम लिखते समीना नबीला रियल सिस्टर्स, तो समीना नबीला इकट्ठा हमने लिख दिया, हमें नहीं पता अब ये एक ही नेम है या दो अलग अलग है, तो ये भी सेंटेंस कोई सेंस नहीं बनाता। तो इसलिए हमने समीना नबीला दो अलग अलग जो पर्सनैलिटीज़ थी उनको मिलाने के लिए जो वर्ड यूज़ किया, दोनों वर्ड्स को, एंड समीना एंड नबीला, यानी समीना और नबीला, तो दोनों को मिलाने के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ एंड। तो एंड हमारा इस सेंटेंस में कंजंक्शन है। नंबर सेकंड एग्जांपल है ही इज़ पुअर। अब ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट है, ही इज़ पुअर, वो गरीब है। हम चाहे तो इसे यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में कंजंक्शन ढूंढने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, उन्होंने आगे लिखा बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब ये पूरी बात उसकी, उस शख्स की जो भी ये बोल रहा है, कंप्लीट हुई। वो जिस किसी के बारे में बात कर रहा है कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो ये एक सेंटेंस और दूसरे वर्ड को मिलाने के लिए वर्ड यूज़ हुआ है बट, लेकिन। तो बट इस सेंटेंस में कंजंक्शन है। इन अबव सेंटेंसेस एंड एंड बट, अब ये सेंटर वाला एंड तो हम अपने सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास में जो एंड और बट लिखा गया वो दोनों सेंटेंसेस एग्जांपल के सेंटेंसेस में से राइट किया है, इसलिए हमने उन्हें सेपरेट किया इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये दोनों वर्ड जो है आर कंजंक्शंस, ये दोनों वर्ड कंजंक्शंस हैं। तो होमवर्क आपका यही है, लर्न द क्लास वर्क। आपने डेफिनेशन राइट करनी है, एग्जाम्पल्स राइट करनी है। आप चाहे तो खुद से भी एग्जाम्पल्स मजीद ले सकते हैं। इसे आपने अच्छे से याद कर लेना है, नोट कर लेना है नोटबुक पर। नेटिव स्कूल के स्लोगन को नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।